डीडीएलजी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये वो फिल्म है जिसने बड़े पर्दे पर इतिहास रचा था, जिसने शाहरुख खान को मोस्ट रोमांटिक हीरो का टैग दिलवाया था, तो वही काजल को स्टारडम का स्वाद चखाया था। और इसी आइकॉनिक फिल्म को 25 साल पूरे हो चुके हैं, और इस 25 साल पूरे होने की खुशी में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने आपके राज और सिमरन को मिलवाया था। डीडीएलजे को हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म के हर एक किरदार को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला था। बाबूजी के रोल में अमरीश पुरी को आज भी याद किया जाता है, तो राज के कूलेस्ट डैड के रोल में अनुपम खेर भी खूब जचे थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जिक्र जब भी छिड़ता है तो सभी के जहन में काजोल की छोटी बहन छुटकी की याद जरूर ताजा हो जाती है। फिल्म देखते ही सभी के दिल में ख्याल आता है कि राज और सिमरन की जोड़ी को मिलाने वाली वो छुटकी अब कहाँ है, कहाँ रहती है और कैसी दिखती है। तो आपको बता दें कि वो मासूम चेहरे वाली छुटकी अब 29 साल की हो चुकी है और बेहद ग्लैमरस दिखती है। डीडीएलजे में छुटकी का रोल प्ले करने वाली अभिनेत्री का असल नाम पूजा रूपारेल है, लेकिन आज भी लोग उन्हें छुटकी के नाम से ही जानते हैं। लंबे वक्त से पूजा ने किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है, फिर भी सोशल मीडिया पर पूजा काफी फेमस है। पूजा ने अपनी पहचान एक सिंगर और स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर बनाई है। पूजा मल्टी टैलेंटेड है, सिंगर और कॉमेडियन होने के अलावा वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं। साथ ही पूजा ने आइकिडो मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग ली है, अब वो प्रोफेशनली भी बच्चों को मार्शल आइकिडो आर्ट्स की ट्रेनिंग देती हैं। 2014 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी की रिलीज को 1000 हफ्ते पूरे होने का जश्न कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में मनाया गया था। तब फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के साथ पूजा रूपेल भी शो में पहुंची थी। छोटी सी छुटकी का बड़ा अवतार देखकर हर कोई हैरान रह गया था। पूजा रूपेल ने कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा रूपेल अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की कजन सिस्टर है। पूजा ने 1993 में फिल्म किंग अंकल से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। हालांकि उन्हें पहचान मिली थी 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी से। छुटकी के रोल में पूजा रूपेल को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। अपने एक इंटरव्यू में पूजा ने खुद बताया था कि 13 साल की उम्र में ही उन्हें मैरिज प्रपोजल मिलने लगे थे। उनका ईमेल बॉक्स ऐसे प्रपोजल से भरा रहता था। हालांकि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी के रिलीज के बाद एक लंबे अरसे तक उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया। 2015 में उनकी फिल्म एक्स पास्ट इज प्रेजेंट रिलीज हुई थी, जो कि फ्लॉप रही थी। पूजा कहती है कि उनका फिल्मों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान फिल्मों से दूर एक अलग इंडस्ट्री में बनाई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।